इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कल की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का टीजर और पोस्टर आने के काफ़ी पहले से ही फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। यह फिल्म इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। 600 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म बर्बाद हो चुकी भविष्य की दुनिया पर आधारित है। इस स्काईफाई फिल्म का ट्रेलर देखते ही ये याद जरूर आता है कि ऐसा हमने कई बार हॉलीवुड फिल्मों में देखा हुआ है। ऐसी तमाम कई स्काईफाई फिल्मों से भरा पड़ा है हॉलीवुड, जहां 80 और 90 के दशक से ही ऐसी फिल्में बनाती आ रही है। फिल्म धुएं और धूल से भरी ऐसी दुनिया को दिखाती है जहां शायद युद्ध के बाद से अब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों ने साइंस के बलबूते जितनी तरक्की की है वो सब कुछ सर्वाइव करने के लिए की है। जहरीले पर्यावरण में सांस ले रहे ये लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर जिंदगी जीते देख रहे हैं। फिल्म में भले ही प्रभास लीड रोल प्ले कर रहे हों, लेकिन ट्रेलर में तो अमिताभ बच्चन लीड रोल प्ले करते दिख रहे हैं। उनके लुक से लेकर उनके एक्शन सीक्वेंस और दमदार एक्टिंग सब कुछ इस छोटे से ट्रेलर में दिख गया है। प्रभास का स्क्रीन टाइम अमिताभ बच्चन के आसपास या थोड़ा बहुत ज़्यादा है। वो इसके पहले भी ताकतवर योद्धा के तौर पर बाहुबली और साहो जैसे फिल्मों में दिख चुके हैं। हालांकि इस बार वो उन दोनों कैरेक्टर से ज़्यादा ताकतवर और एटीट्यूड से भरे दिख रहे हैं। ट्रेलर देखकर ये समझ तो आ रहा है कि फिल्म में दीपिका अहम किरदार में दिखने वाली है, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया गया है। वो पूरे ट्रेलर में जितनी बार भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखी, परेशान ही दिखी। हालांकि दिशा का रोल देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फिल्म में उन्हें लीड एक्टर्स के साइड में काम करने वाले एक्टर के तौर पर ही बुनाया गया है। सबसे कम स्क्रीन टाइम कमल हसन का है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं। शायद ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। फिल्म से जुड़े मेकर्स की उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील ना करने से उनके कैरेक्टर को लेकर बज और बन सकता है। VFX के मामले में बात करें तो दोस्तों, ये फिल्म किसी भी बड़ी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लग रही है। फिल्म का हर वो सीन जिसमें किसी भारतीय फिल्म के होने की वजह से गलती की गुंजाइश थी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है। स्पेशल इफेक्ट्स के मामले में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मामले में ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है। इसके पहले बॉलीवुड में 2050 जैसे फिल्में भी बन चुकी है, लेकिन वो फिल्में इसके सामने जीरो लगती है, क्योंकि ना तो इन फिल्मों का VFX इतना कमाल का था और ना ही ये फिल्में कंटेंट के मामले में बेहतर थी। रोबोट 2.0 जैसे फिल्में जोर बनी हैं जिनका VFX हाई लेवल का था, लेकिन कल के इस मामले में इन फिल्मों से भी एक कदम आगे दिखती है। और जाने से पहले अपने मूवी लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।